इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री के सभी सेक्शन से 25 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आने जैसा हिस्ट्री के सभी सेक्शन से 25 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपके नॉलेज, ज्ञान, कॉन्फिडेंट ये सभी बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर एट, 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार। और आपसे पूछा जाए मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था, तो आपको बताना होगा 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नाइन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना मकान बनाते थे, जैसा कि अभी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था, तो मुंबई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करके
लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अन्न रखा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? आप हमारे साथ हिस्ट्री के जो वीडियो 3 बजे हमने बोल रखा है, उस टाइम को मेंटेन करने में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, माफ करिएगा, लेकिन 3 बजे से आप कंटिन्यू रह सकते हैं इस एपिसोड पे, जिससे आपके हिस्ट्री अच्छे हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर सभ्यता। रियल में आपके हिस्ट्री अच्छे हो जाएंगे यदि आप इस एपिसोड को रेगुलर देखते हैं तो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी जी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बहुत अच्छे सवाल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काश युगीन थी। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, आगे थे, श्रेष्ठ थे, नंबर वन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क था। आगे सवाल है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 20, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? भी यही सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22, मुहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन विद्या में, संगीत विद्या में, काला विद्या में, दर्शन विद्या में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन विद्या में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 23, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया गया था, किसने बनाई थी? फिर से सवाल सुन लीजिए, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे 24 नंबर सवाल है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया?
सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर का। क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पर लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। आपको ये हिस्ट्री के एपिसोड रोजाना शाम में 3 बजे मिल जाएंगे। आज हमने अपलोड नहीं करा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, आगे कल से आपको रेगुलर मिलेंगे। यदि आप हिस्ट्री के वीडियो को रोजाना देखते हो तो आपके हिस्ट्री अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री के सिलेक्टेड सवाल ही आपसे पूछेंगे। आप कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी जो करते हैं करिए, साथ में हमारे वीडियो को भी देखिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।